असलकुम डर स्टूडेंट्स आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिलोंग करता है और ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस लेक्चर में से तकरीबन एफ एस सी लेवल पर और इंटर टेस्ट लेवल पर एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं और इस लेक्चर के कंटेंट्स जो इंक्लूड हैं उसके अंदर हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और उसके बाद मैथ एग्जिस्टेंस देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है मैथ एग्जिस्टेंस है तो किस तरह होती है फिर हम ये देखेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़रेबल होता है फिर हम फाइनली बहुत अहम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसके रिलेटेड एम करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उससे रिलेटेड एम करेंगे आइडेंटिकल चार्जेज या अफेयर्स की भी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि चार्ज इन होता है ये भी डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे कि चार्ज की कितनी टाइप्स होती हैं और चार्ज की टाइप्स के बाद फिर हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है और फाइनली हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आखिरी टॉपिक ये होगा कि मैथ और चार्ज में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है और इस लेक्चर को आपने एंड तक ज़रूर सुनना है क्योंकि ये लेक्चर इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान है और इसमें बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो इसी लेक्चर में डिस्कस होनी है तो आए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होती हैं यानी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जी ठीक हो गया अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज की पहली पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल बहुत आसान सी है कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मैस होता है यानी कि पहली प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि एक चार्ज का हमेशा मैस होगा ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ मैस देखिए एक मैं जुमला बोल रहा हूँ यहाँ बड़ा सिंपल सा जुमला है मैंने ये कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर मैस का चार्ज होना ज़रूरी नहीं है लेकिन हर चार्ज का मैस होगा यानी इसको यूँ कहें ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैस का चार्ज हो जबकि ये ज़रूरी है कि हर चार्ज का मैस होना चाहिए अब इसमें से एम सी क्या पूछी जाएंगी? अब इसमें से एम सी क्यू ये पूछते हैं कि वो कहते हैं फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये साथ एक बॉडी दूसरी पड़ी हुई है इस दूसरी बॉडी में आ गया तो बताएं इनके कोई मैस में फ़र्क पड़े ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया जब जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मैस कितना था इलेक्ट्रॉन का आपको मैस पता है ई एम इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन रेस्ट पावर माइनस थर्टी वन के जी इसका मतलब अगरचे ये मैस बहुत थोड़ा है जिसको हम डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये मैस इसमें से इतना कम हो गया और इसमें इतना मैथ बढ़ गया है तो हम ये कहेंगे कि जब किसी बॉडी में किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं इजाफा हो जाता है हम कहते हैं उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब जब किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इट्स मीन नौश्रिया एक जराब दस की ताकत माइनस इकतीस किलोग्राम मैस इसका कम हो जाता है तो यहाँ से पता लगा कि जब किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब उसमें से उसमें मैस की कमी आ जाएगी सिमिलरली अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब है उसका मैस इंक्रीज़ हो जाएगा एक पहली प्रॉपर्टी ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है इसके अंदर सेकंड वन प्रॉपर्टी एडिटिव चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर याद रख लें कि चार्जेस हमेशा नेचर में एडिटिव होते हैं ऐड किए जा सकते हैं मसलन मसला फर्ज़ कर लें हमें पता है चार्ज कौन सी क्वांटिटी है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है स्केलर का क्या मतलब होता है स्केलर का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीचूड तो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ना हो तो अब स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीचूड रख रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं है अब फर्ज कर लें कि मेरे पास यहाँ कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं ये एक बॉडी ए जिस जिसका चार्ज फर्ज कर लें क्यू वन है जो कि टेन कोलम्ब है इस तरह चार्ज बॉडी बी है इसका चार्ज Q2 जो के टू कोलम है सिमिलरली बॉडी थ्री है जिसको मैं सी से ज़ाहिर कर रहा हूँ चार्ज Q3 है और ये थ्री कोलम है अब सवाल यह है कि इस इस जगह पर इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे Q टोटल निकाल के दें तो सिंपल सी बात है चूँकि एक स्केलर क्वालिटी है स्केलर क्वान्टी को हमेशा सिंपली रेथीमेटिक अप्रेशन से ऐड करते हैं तो आपने क्या करना होगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इन चार्ज इसको आपने ऐड कर देने जितने भी पड़े हों सबको आपने ऐड करने लें यह नहीं है इसकी एडिटिव नेचर है ठीक है उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ये बड़ी अहम है प्रॉपर्टी है इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सी पूछी जाती हैं दिस इज कार्ड क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन यहां से ई कैट एम डी कैट में भी बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज आती हैं इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आपने डिटेल में फोकस पढ़ने, स्टडी करना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो इस चैप्टर में हम आगे चल के देखेंगे मिलकॉन्स मेथड और मिलकॉन्स मेथड क्या कहते हैं मिलकॉन्स मेथड ये कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी यानी किसी भी पार्टिकल पर जो या बॉडी पर जो कम से कम चार्ज की वैल्यू है उसका इंटेग्रल मल्टीपल होंगे तमाम आगे आने वाले चार्जेस अब सवाल ये है कि मिनिमम चार्ज आना बॉडी क्या होता है मिनिमम चार्ज आना बॉडी होता है वन पॉइंट सिक्स टेन रेस्ट पावर माइनस नाइनटीन यानी कि क्यू मिनिमम की वैल्यू यानी कम से कम किसी बॉडी पर इतना चार्ज है इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता अब यहाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मिनिमम चार्ज का क्या मतलब है फिर हम इससे रिलेटेड बाकी तमाम एम देखेंगे मिनिमम चार्ज से यहाँ पर एक एम को पूछते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी तो अब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज तो आप सिंपल ये कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है 10 19. है जी पावर नेगेटिव ठीक अब अगर मैं आप MC को यूं चेंज कर दूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली यानी जो के आजादा ना रह सकती है आजादा ना क्या मतलब है अब जरा हम, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है की अगर मैं बात करूं, तो एक सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके गर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली का मतलब ऐसा चार्ज या ऐसा पार्टिकल जो कि आजादा ना रह सके तो अब इनमें देखें तो

है आपने और अगर हम क्वार्क की बात करें तो प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है सिमिलरली अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन ये है प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है इसका मतलब यहां से बाज हो गया कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाय टेन उस पावर माइनस नाइनटीन से कम हो सकती है लेकिन वो जो वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंटली नहीं है वो उस न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है ठीक है और हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मीन के इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है जबकि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट नहीं है जिस वजह से हम किस किसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ठीक हो गया तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली उसके बाद फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास एक बॉडी है मैं यहाँ एक बॉडी बना लेता हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर चार्ज आते कैसे सपोज एक बॉडी ये वाली है एक बॉडी ये वाली है सपोज़ तो, दिस इज़ बॉडी ए एंड दिस इज़ बॉडी बी अब फ़र्ज़ कर लिया इस बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या मतलब है इसका पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के मुकाबले में ज़्यादा है मतलब ये कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके चला गया एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके होके उधर चला गया इट्स मीन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर होके चला गया तो इसके ऊपर वन ई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसके ऊपर जबकि इसके ऊपर नेगेटिव वन ई चार्ज आ जाएगा क्लियर बात सपोज इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक दूसरा चार्ज भी ट्रांसफर होकर चला गया टू ई इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब इसमें टू ई पॉजिटिव चार्ज आ गया दो इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यहाँ पर अब टू ई नेगेटिव चार्ज आ गया सिमिलरली मैं ये कह देता हूँ कि इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव थ्री ई चार्ज आ गया इसके ऊपर नेगेटिव थ्री ई चार्ज आ गए सिमिलरली आप टू सब कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव एन ई चार्ज आएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव एन ई चार्ज आएंगे दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन आप देख रहे हैं कि एक एक चार्ज निकल के जा सकता है कभी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें से एक इशारे पाँच चार्ज निकल के गए ऐसा नहीं होगा कभी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें से तीन इशारे छः इलेक्ट्रॉन निकल के गए ऐसा नहीं होगा चार्ज या तो एक निकल के जाएगा दो तीन चार निकल के जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि इसमें से चार्जेस फ्रिक्शन में जाए ठीक हो गया तो यहाँ से पता लगा कि यहाँ से हमने इस मैथमेटिकल रिजल्ट को समझ लिया कि क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई ये क्यू से मुराद चार्ज ऑन बॉडी है चार्ज ऑन बॉडी किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और एन से क्या मुराद है एन से मुराद ये है इंटेग्रल मल्टीपल एन इंटेग्रल मल्टीपल से मुराद एन की वैल्यूज वन टू थ्री एंड अप अपू होगी ये नेचुरल नंबर होंगे इंटीजर की शेप में होंगे ये कभी ऐसा नहीं होगा कि वन पॉइंट टू ऐसा नहीं हो सकता वन पॉइंट थ्री नहीं हो सकता 1.4 नहीं हो सकता ऐसी वैल्यूज नहीं होंगे इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एन मेन इंटीजर होते हैं यानी इंटेग्रल नंबर होते हैं और फिर ई से क्या मुराद है ई से मुराद मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी है और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी बॉडी पर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है वो कितनी है वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेस पावर माइनस नाइनटीन कोलम होती है किसी बॉडी पर कम से कम चार्ज की वैल्यू इतनी होती है इससे ज्यादा हो सकती है इससे कम नहीं हो सकती वो चार से मुराद क्या है चार से मुराद मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है सिमिलरली यहां से अब दो तीन किस्म की और एम देख लेते हैं जो कि पूछी जाती हैं ठीक हो गया और अगले लेक्चर में इस पूरे चार्ज वाले टॉपिक की डिटेल एम की डिस्कशन करेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए चंद एक एमसी क्यूज तो बता रहा हूं अब एक एमसी को यहां से आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडी यानी कि इनमें से कौन सी चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी पर नहीं हो सकती तो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं सपोज मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ पहला ऑप्शन है हमारे पास थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाय टेन रेस्ट पावर माइनस नाइनटीन कोलम्प बिटा ऑप्शन लिख रहा हूँ इसमें फोर पॉइंट एट मल्टीप्लाय टेन रेस्ट पावर माइनस नाइनटीन कोलम्प चार्ली ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर तो सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लायर टेन रेस्ट पावर माइनस नाइनटीन कोलम्प और डेल्टा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इसमें इसके अंदर होगा सेवन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाय टेन रेस्पॉर माइनस नाइनटीन को लग कोई भी वैल्यू मैंने लिख दी है ठीक है अब इस तरह के एम सी क्यूज़ को आप कैसे हल करेंगे इस तरह के एम सी क्यूज़ को हल करने का बड़ा सिंपल तरीक़ा है अब आपने चेक करने कि ये जो वैल्यूज़ हैं इंटेगरल मल्टीपल में आने चाहिए यानी वैल्यू वन ई टू ई थ्री इस तरह आनी चाहिए यानी कि इस जगह पर जो जवाब आना चाहिए आपका क्यू इज़ इक्वल टू इसमें वन ई e होना चाहिए या फिर टू ई e होना चाहिए या फिर थ्री ई e होना चाहिए या फिर फोर ई जवाब आना चाहिए ऐसा जवाब ना हो जो कि 2.3, 2.4, 2.9 इस तरह का जवाब मिले तो इस तरह के एम हल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप फार्मूला लिखें n इज इक्वल टू क्यू ओवर e ये फार्मूला है q इज इक्वल टू एन ई एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई आगे अब चार्ज की वैल्यू हर एक ऑप्शन के लिए आप चेक करते जाएं। पहले ऑप्शन के लिए देखें क्यू की वैल्यू थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाय टेन एच पावर माइनस नाइनटीन डिवाइड बाई चार की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाय टेन एच पावर नाइनटीन इससे कैंसिल तो जवाब मिलेगा यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया टू ई इसका मतलब टू ई तो ठीक है इसका मतलब है कि टू इंटेग्रल है टू में आप ऑप्शन आ रहे हैं अगर इसको मैं फाइंड आउट करूं तो ये कितना मिलेगा ये थ्री ई मिल जाएगा ये भी ठीक है अगर इसकी बात करूं तो ये मिल जाएगा फोर ई ये भी ठीक है अब फाइनल बच चुका है डेल्टा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन में जवाब आपको इशारे में मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो हम इसको टिक कर देंगे यानी कि डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ठीक हो गया इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एम सी आपसे यू भी पूछ सकता है वो आपको कहता है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है ये एक बॉडी ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि इस बॉडी में से इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है चार्ज की वैल्यू q इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लायर टेन एस पावर माइनस नाइनटीन कोलम इस चार्ज की वैल्यू है ठीक हो गया अब सवाल मेरा यह है कि बताएं इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर गए हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ये पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है इलेक्ट्रॉन की तदाद कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गए हैं और सवाल मेरा यह है कि अगर इस बॉडी पे इतना चार्ज है तो बताएं इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने दोबारा वही फार्मूला लगा दें वो फार्मूला क्या है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो एन इज इक्वल टू क्यू वरी तो आंसर यहां से आपको क्या मिलेगा एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन एस पॉर माइनस नाइनटीन डिवाइड बाई ई की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन एस फॉर माइनस नाइनटीन कैंसल हो गया यहाँ से जवाब मिल गया हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन तो पता लगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गए हैं तो इतना चार्ज आएगा तो इस तरह की और भी एम सी को दे सकते हैं चार्ज देकर वो आपसे ये वैल्यू पूछ ले तो अब इस फार्मूले की मोल्डिंग किस किस तरह हुई इस फार्मूले की मोल्डिंग इस तरह हुई वो आपको नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव और लॉस देकर पूछ सकता है कि बताएं इस बॉडी पे कितना चार्ज है तो जितने वो नंबर ऑफ चार्जेस दे उसको ई से मल्टीप्लाई करें क्यू का जवाब आ जाएगा या फिर एन को नीचे ले आए तो चार जान इलेक्ट्रॉन भी निकाल सक, निकाला जा सकता है या चार जान एनी बॉडी भी निकाला जा सकता है उसके अलावा वो आपको यूं भी कह सकते हैं क्यू और ई की वैल्यू को नीचे लेकर आए और कहें आपको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं किसी बॉडी में या कितने उसमें से ऐड हुए हैं तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं तो इस तरह की ये पॉसिबल एम सी क्यू हैं जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में से पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया इसी तरह और एम सी क्यू यहाँ से आती है और वो एम सी क्यू क्या कहते हैं वो आपको एम सी क्या कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर वन कोलम चार्ज आ गया ठीक हो गया सवाल ये करते हैं कि बताएं हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कोलम कॉलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये उनका सवाल है वैसे तो हमें ये इक्वेशन याद है मैंने शुरू शुरू में बताई थी कि एक कोलम के अंदर 6.25 रेस पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लेकिन हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये होते कैसे हैं इसका सिंपल यही क्वानाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फार्मूला लगाएं क्यू इज इक्वल टू एन ई e, और इसके अंदर एन है हमने तो क्यू ओवर ई इज इक्वल टू एन आ गया और एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू वन कॉलम है तो यहाँ वन सी ही लगाए डिवाइडेड बाई की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन एच पावर माइनस नाइनटीन यहाँ से आपको जवाब मिल जाने सिक्स पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस्ट पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ठीक हो गया तो ये एक सिंपल एम सी क्यों अब ज़रा इसको फील करें क्या है इसका मतलब देखें जब हम सिंपल सा हम कह दें किसी बॉडी पे एक कोलम चार्ज आ गया एक कोलम चार्ज का मतलब क्या है एक कोलम चार्ज का मतलब ये है इसमें देखें अगर आप तो 625 लिख देता हूं इसको मल्टीप्लाई नीचे 100 आ जाएगा जो ऊपर चला जाएगा 10 रेस्ट पावर इसको 16 कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी के 625 के आगे 16 जीरोज हैं, 625 के आगे 16 जीरोज, यानी इतनी बड़ी वैल्यू है यानी इतने इलेक्ट्रॉन है एक कोलम के अंदर तो अब यहां से हमें क्या नजर आ रहा है जब हम कहते हैं ना कि किसी बॉडी के ऊपर एक कोलम चार्ज आ गया एक कोलम चार्ज का मतलब यह है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में से निकल चुके होते हैं या जब हम कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर एक कोलम चार्ज नेगेटिव में है नेगेटिव का मतलब उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके होते हैं जब हम कहते हैं किसी बॉडी में के ऊपर पॉजिटिव एक कोलम चार्ज है इसका मतलब उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स इसकी इतनी काउंटिंग काउंट कर लें इसको सोलह जीरोजें छः सौ पच्चीस यहाँ पर है यानी इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकल जाते हैं यानी कि ये एक कोलम इतनी बड़ी वैल्यू है चूंकि कोलम एक बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए इनके हम छोटे यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं कौन से छोटे यूनिट है छोटे यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं पहले आपको मैंने बताया कि माइक्रोकम भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह नैनो कोलम भी इस्तेमाल करते हैं अब चूंकि माइक्रो और नैनो कोलम छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से एम पूछी जाती है एम पूछते हैं वो कहते हैं कि वन माइक्रो कोलम इज इक्वल टू माइक्रो माइक्रोकम किसके बराबर है तो सिंपल सी बात हमें पता है कि एक कोलम किसके बराबर है वन कोलम इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव 10 टेन रेस्ट पावर एटीन ठीक हो गया अब माइक्रो करना है हैं तो यहाँ पर आप माइक्रो कॉलम कर दें विच इज इक्वल टू यहाँ पर भी आप माइक्रो कर दें मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाय टेन रेज पावर एटीन दोनों साइड्स पर माइक्रो कर दिया अब इस माइक्रो का मतलब क्या है इस माइक्रो का मतलब है टेन रेज पावर माइनस सिक्स तो यहाँ से जवाब क्या मिला सिक्स पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज पावर यहाँ माइनस सिक्स है या प्लस का एट है तो यहाँ से जवाब मिल गया हमारे पास प्लस का थर्टीन यानी कि एक माइक्रो कोलम के अंदर भी इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सिमिलरली वो आपसे यूँ भी पूछ सकते हैं कि बताएं एक नैनो कोलम पर कितने चार्ज पाए जा रहे हैं दोबारा सेम वैसे ही काम कर लें कि वन कोलम किसके बराबर है वन कोलम इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लायर टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नैनो करने तो दोनों साइडों पर नैनो कोलम से मल्टीप्लाई कर दें 6.25 पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस्ट पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें ये हमारे पास वन नैनो कोलम इज इक्वल टू नैनो का मतलब क्या है नैनो का मतलब है टेन रेस्ट पावर माइनस नाइन तो यहाँ माइनस नाइन है या आठ है तो यहाँ से जवाब क्या मिला सिक्स पॉइंट टू फाइव टेन रेस्ट पावर ये एट है और वहाँ से बन जाएगा नाइन तो इसका मतलब एक नैनो कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं टेन रेस्ट पावर नाइन यानी कि 625 के आगे सात जीरोज आ जाएंगे जबकि यहां पर 625 के आगे ग्यारह जीरोज आ जाएंगी ठीक हो गया तो इस तरह से इनसे रिलेटेड भी हमसे पूछी जा सकती हैं ठीक हो गया अब हम एक और प्रॉपर्टी देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अच्छा अब आप देखें जिस तरह आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये था कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेंस कांस्टेंट यानी कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लियन एंड आफ्टर कुलय जो फाइनल मोमेंटम था वो दोनों आपस में बराबर होते हैं सेम इसी तरह इसकी मिसाल लेते हैं फ़र्ज कर लें कि उसके अंदर हमने कहा कि दो बॉल्स हैं सपोज़ ये दो बॉल्स हमारे पास हैं पहली बॉल है पी इसकी जो मोमेंटम है फर्ज करें हमारे पास टेन है और ये दूसरी बॉल है इसका मोमेंटम हमारे पास फाइव है तो अब ये दोनों आई आपस में टकराई टकराने के बाद ये सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद इनका जो आफ्टर क्लियर मोमेंटम था सपोज ये हमारे पास है एट तो उसके बाद ये पी टू प्राइम ये कितना होगा ये सेवन होगा अब अगर नेट निकालें टेन प्लस पी वन अब इसमें जो नेट मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं तो नेट मोमेंटम कैसे निकलेगा इनिशियल मोमेंटम पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी वन प्राइम प्लस पी टू प्राइम में तो कितना हुआ टेन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू यहाँ पर एट प्लस सेवन तो यहाँ से आंसर क्या मिला फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन जिस तरह आपने मोमेंटम वाली कहानी पढ़ी है सेम इसी तरह इसी चीज को हम चार्ज में भी देखेंगे चार्ज वाले कहानी कैसे होगी चार्ज वाली कहानी सिंपल सी ये होगी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है या फिर यूं कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम सुमेशन क्यू आई इज इक्वल टू सुमेशन क्यू है फाइनल मोमेंटम ये बराबर है से चार्ज कितना यानी कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट या सम ऑफ इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल चार्ज होते हैं इसको भी अभी हम देखते हैं फिलहाल ये देखें कि यहाँ पर एक लफ्ज़ है आइसोलेटेड आइसोलेटेड का क्या मतलब है देखें इस केस के अंदर मोमेंटम वाले केस में आइसोलेटेड का मतलब ये था कि इन एन आइसोलेटेड का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट यानी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो जबकि चार्ज वाले केस में आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है चार्ज वाले केस में आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना उसके अंदर एंटर हो रहा हो ना ही उसको लीव कर रहा हो आइसोलेटेड सिस्टम का आइसोलेटेड चार्ज के केस में ऐसा है क्या कहा मैंने कि चार्ज के केस में आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इसमें से ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कोई ना ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो ठीक हो गया तो आइसोलेटेड की बात भी हमने यहाँ पे समझ ली अच्छा अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं इससे रिलेटेड कि सपोज़ हमारे पास एक बॉडी है ये एक बॉडी ये है हमारे पास और इसके ऊपर हमारे पास इनिशियली तौर पर चार्ज अवेलेबल अवेलेबल है फ़र्ज़ कर लें कि ये Q1 वन इज इक्वल टू टेन कोलम है और दूसरी यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है और ये Q2 है जो कि फिफ्टीन कोलम है ठीक हो गया इन इन दोनों चार्जेस को आपस में मिलाया चार्जेस को आपस में मिलाने के बाद इनको सेपरेट कर लिया अब मेरा सवाल यह कि बताएं सेपरेट होने के बाद अगर ये चार्ज है Q1 प्राइम इसके ऊपर सपोज नाइन कोलम चार्ज आ गए तो क्यू टू के ऊपर कितना चार्ज आएगा ये निकाल के दें इस तरह की आपसे एम सी क्यू पूछी जाएगी अब इस तरह की एम सी क्यू में आप क्या जवाब देंगे इसका इसमें सिंपल सी बात है आप ये कहेंगे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगी बल्कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि समेशन क्यू आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल इनिशियली तौर पर क्या होगा हमारे पास क्यू वन प्लस क्यू टू विच इज इक्वल टू क्यू वन प्राइम प्लस क्यू टू प्राइम होगा हमने क्यू टू प्राइम को फाइंड आउट करना है इसको एक तरफ ले लें बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ ये हमारे पास टेन प्लस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू यहाँ पर होगा नाइन प्लस ये होगा क्यू टू प्राइम बाकी फैक्ट्री इधर आ जाएंगे ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन विच इज इक्वल टू क्यू टू प्राइम अब ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन कर लें तो कितना आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से सिक्सटीन आंसर मिल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू टू प्राइम जो है हमारे पास इसमें सोलह कोलम चार्ज होगा ठीक है यहां से भी आपको पता लग रहा है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है नेट चार्ज फिर भी बराबर है कैसे इन दोनों का मजमु कर लें ये हमारे पास है टेन प्लस फिफ्टीन कितना मिल जाएगा हमारे पास टेन प्लस फिफ्टीन ये थर्टी फाइव हो जाएगा थर्टी फाइव कोलम और अगर इसकी मिसाल ले देखें तो ये हमारे पास है सोलह कोलम और ये हमारे पास टेन टेन प्लस फिफ्टीन बल्कि ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और अगर इसको देखें तो ये नाइन कोलम है ये सिक्सटीन कोलम है इसको ऐड कर लें नाइन प्लस सिक्सटीन ये भी ट्वेंटी फाइव कॉलम है तो पता लगा कि जो क्यू इनिशियल है और क्यू फाइनल है ये दोनों सेम है या हम कह सकते हैं कि क्यू टोटल कांस्टेंट है हमेशा यानी कि उनका जो नेट चार्ज है ये नहीं हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि उनके अंदर इंट्रैक्शन कैसी हो रही है हमने जो नेट चार्ज देखना है वो नेट चार्ज इनमें सेम है क्लियर हो गई बात ये तो ये हो गई हमारे पास इस तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और यहाँ से हमें पता लग गया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्राइड बट कन्वर्टेड वन फार्म टू तो अनदर फार्म देखें इस पूरे केस के अंदर क्या देखा हमने कि चार्ज एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो रहे हैं ठीक है और चार्ज का ना इधर भी क्रिएटेड ना और भी डिस्ट्रॉयड ना वो पैदा हुए हैं ना ही वो ख़त्म हुए हैं बल्कि वो एक से दूसरे में कन्वर्टेबल हैं ट्रांसफ़रेबल है ठीक हो गया अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसमें आइडेंटिकल्स अफ़ेयर्स की बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक और एम सी की बात है आइडेंटिकल्स अफ़ेयर्स की जब यहाँ याद रखें आइडेंटिकल्स अफ़ेयर्स क्या होते हैं आइडेंटिकल सफ़ेयर आइडेंटिकल सफ़ेयर का क्या मतलब होगा आइडेंटिकल का सफ़ेयर सफ़ेयर या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर ले आइडेंटिकल charges identical charges लफ्ज़ इस्तेमाल करें या आइडेंटिकल सफ़ेयर्स सफ़ेयर्स का क्या मतलब होता है सफ़ेयर्स का मतलब है कि उसका जो सेम साइज़ हैं दोनों चार्जेस के वो सेम होंगे ठीक है तो, तो जब भी आपको एम सी क्यू में लफ्ज इस्तेमाल करके दे दे आइडेंटिकल चार्जेस ठीक है वो तो आपको यूं कहेगा एमसीक्यू क्यू में कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं सपोज ये हमारे पास है एक चार्ज क्यू वन जो कि टेन कोलम का है दूसरा चार्ज है हमारे पास क्यू टू जो कि फर्ज कर लें जीरो कोलम है सवाल में स्टेटमेंट में उसने लफ्ज इस्तेमाल करके दिए आइडेंटिकल याद रखें जब भी आइडेंटिकल का केस होगा आपने बगैर ही सोचे ये याद रखना है आइडेंटिकल के केस में इनमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी इक्वल से हम कि एक टेन कोलम का है एक जीरो कोलम का है इनको जब हमने आपस में कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद इंट्रैक्शन के बाद जब ये सेपरेट हो गए अब बताएं इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या आएगा याद रखें कि पहले के ऊपर फाइव कोलम चार्ज होगा और Q2 दूसरे के ऊपर भी फाइव कोलम चार्ज होगा दिस इज़ द केस ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस जब भी वो आपको एम सी क्यू में ऐसी सी एम सी को दे दे वो आपको कहे कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं और आइडेंटिकल चार्जेस में एक हमारे पास पोज टेन कोलम है ज़रूरी नहीं है कि टेन वैल्यू दे दे वो टेन की जगह अगर आपको ट्वेंटी कोलम दे दे तो फिर क्या होगा फिर आप कहेंगे कि ये भी टेन कोलम का है और ये भी टेन कोलम का है ये आपने एम सिक्यूट्रिक याद रखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बच्चों का एक बड़ा कन्फ्यूजल क्वेश्चन होता है और ये सवाल बड़ा मासूमाना है वो सवाल क्या करते हैं वो कहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर जिस तरह हम ये कहते हैं कि यहाँ से गैमर ए फोटॉन आ रहे हैं जो कि हेवी पार्टिकल की वैसिनिटी में यहाँ से जब जाते हैं तो अब जाने के बाद यहाँ से दो पार्टिकल्स बनते हैं एक अलक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन बनता है ठीक हो गया यानी कि एक पार्टिकल और दूसरा एंटी पार्टिकल बनता है जो पार्टिकल बनता है उसका जो हमारे पास चार्ज होता तो है वो नेगेटिव 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाय टेन रिज पॉवर माइनस नाइन्टीन कोलम्प होते हैं सिमिलरली इस पर होता है पॉजिटिव 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाय टेन रेज पॉवर माइनस नाइनटीन कोलम्प होते हैं अब बच्चे सवाल ये करते हैं कि भाई शुरू शुरू में ये जो गैमर एफ फोटोन था इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था लेकिन आफ्टर पेयर प्रोडक्शन इसके ऊपर भी चार्ज आ गया इसके ऊपर भी चार्ज आ गया तो इसके ऊपर इस पर तो कोई ना कोई चार्ज आ गया लेकिन हम हम ये कह चुके हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है यस अभी भी ये चीज़ वैलिड है क्योंकि यहाँ गैमर एप फोटोन पर शुरू शुरू में कोई चार्ज नहीं है तो अब इसका भी तो हमें नेट निकालना है ना नेट चार्ज नेट चार्ज के तौर पर इनका जो नेट चार्ज होगा वो सिफर होगा ठीक है तो इट्स मेन यहाँ से पता लग गया कि प्योर प्रोडक्शन एनाइलेशन ऑफ मैटर और इन तमाम टॉपिक्स में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड हो रही है उसके बाद हम एक और एम कर लेते हैं लास्ट एम लास्ट एम है हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज से मुतालिक मैं एक एम कर देता हूँ अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वो आपको एम में इस्तेमाल करके दे दे कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सफेयर्स हैं या दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं सपोज़ मैं यहाँ पर मिसाल लेता हूँ कि टू आइडेंटिकल सफेयर में पहला जो सफ़ेयर है उसके ऊपर नेगेटिव वन कोलम चार्ज है और दूसरा हमारे पास है उसके ऊपर सपोज़ पॉजिटिव सेवन कोलम ले लेता हूँ ठीक है जी अब इन दोनों सफ़ेयर्स को उन्होंने मिलाया आपस में और मिलाने के बाद अब उन्होंने सवाल किया बताएं कि जब मिलाने के बाद उनको सेपरेट करेंगे तो ऑन सेपरेशन इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताएं जी तो अब सिंपल सी बात कि चूँकि ये आइडेंटिकल है आइडेंटिकल के लिए मैंने क्या केस बताया आइडेंटिकल के लिए मैंने आपको केस बताया कि के उनके यानी कि साइज़ सेम होना चाहिए उसके बाद उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए उसके बाद वो दोनों चार्जेस जो हैं जिस मटेरियल के बने हुए हों मटेरियल भी सेम होना चाहिए प्लस हाँ अलबत्त एक चीज़ है कि इनके कलर चेंज हो सकते हैं यानी कि डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं लेकिन साइज़ शेप और मटेरियल सेम होने चाहिए तब तो वो सवाल ये करते हैं कि बताएं इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा तो सिंपल सी बात है हमने क्या करना है इसके अंदर आइडेंटिकल का मतलब मैंने कहा था कि दोनों के अंदर सेम चार्जेस आएंगे यानी उनके आधे आधे चार्जेस आएंगे तो सबसे पहले हमने इनका नेट निकाल लेना है तो नेट हमारे पास इसका कितना होगा माइनस सेवन है और ये माइनस वन कोलम है कितना मिल जाएगा हमारे पास सिक्स कोलम मिल जाएगा इसका मतलब कि तीन कोलम इसमें आ जाएगा तीन कोलम इसमें आ जाएगा ठीक है जी अगर इसका नेट निकालें तो इसका नेट कोलम भी कितना आ जाएगा सिक्स कोलम यह इसको हम यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम कह दें क्यू वन और इसको हम मान लें क्यू टू इसको मान लें क्यू थ्री और इसको मान लें क्यू फोर ठीक हो गया इन सब को यानी कि क्वांटाइज इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तरह आप कर लें क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन प्राइम प्लस क्यू टू प्राइम कर लें चेक कर लें क्या ये ठीक है या नहीं तो माइनस वन प्लस यहाँ पर सेवन आ जाएगा विच इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री तो यहाँ से देख लें आप ये भी सिक्स को लंबार है और ये भी सिक्स को लंबार है तो पता लग गया कि वाकई आइडेंटिकल में ये थ्री थ्री ही आएंगे ठीक है तो आइडेंटिकल का केस से मुतालिक इस तरह के भी एमसी की आ जाए तो आपने इसको हल कर लेने उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है लेकिन इनमें जो लास्ट हम ले रहे हैं वो हमारे पास इन होता है इन वेरियंट चार्ज इज इन इसका मतलब क्या है इन का मतलब यह है कि चार्ज रेलिटिविस्टिक इफेक्ट से इन है यानी कि ये रेलिटिविटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वेरिएशन नहीं करता जैसे हमने पढ़ा था यानी कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर नाइनटीन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रेलेटिविटी में वहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा था रेलिटिविस्टिक मैथ इज इक्वल टू रेस्ट मैथ डिवाइडेड बाय वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट अच्छा अब क्या पढ़ा आपने इसके अंदर इसके अंदर आपने ये पढ़ा कि अगर किसी भी बॉडी का मैथ इंक्रीज़ कर दिया जाए अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए तो इसका जो रेल्ट स्टिक मैस है वो रेस्ट मैथ से बढ़ जाएगा बड़ा हो जाएगा यानी मैथ इंक्रीज़ हो जाएगा इसी तरह एग्जाम्पल भी दी गई है चले मैं एक एग्ज़ाम्पल एक कर देता हूँ एग्ज़ाम्पल के मुताबिक आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी की विलासटी जीरो पॉइंट जीरो सेवन सी बन जाए यानी कि रोशनी की रफ्तार के इतना बन जाए तो उस वक्त उसका मैस कितना हो जाता है आप ये कैलकुलेशन करके चेक कर लें इसका मैस तकरीबन रेस्ट मैस से डबल हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज भी मौजूद है तो इसका चार्ज जो है वो उतना ही रहेगा चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो पता लगा यहाँ से कि इसमें मैथ जो है वो वेरिएंट है स्पीड के साथ वो वेरी कर सकता है मैथ के ऊपर रियलिटिव इफेक्ट से लग सकते हैं लेकिन चार्ज के ऊपर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगते चार्ज सेम रहता है चाहे उसको कम रफ्तार से मूव करवाएं चाहे उसको ज़्यादा रफ्तार से मूव करवाएं ठीक हो गया तो अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ चार्जस तकरीबन सारी देख ली उसके बाद देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जिज़स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस और फाइनली फिर हम इनका कम्पेरिज़न करेंगे तो टाइप्स ऑफ चार्जेस और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ़ चार्जेस देख रहे हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूँ कि चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं बेसिकली चार्ज की तीन टाइप्स होती है। एक हैं एक होता है हमारे पास सोर्स चार्ज ठीक हो गया और उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज और तीसरी टाइप का होता है पॉइंट चार्जेस, ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होते हैं सोर्स चार्ज की बात करें तो सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है और <niveans> ये ये चार्ज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सोर्स चार्ज ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को मालूम करना होता है यानी एक ऐसा चार्ज है जिसकी शिद्दत को मालूम करना है कि ये किसी दूसरे पर कितनी शिद्दत से फ़ोर्स लगा सकता है और किस किस जगह पर यानी इसको हमने चेक करना होता है टू बी चेकड यानी इस चार्ज की मुख्त पैरामीटर ही चेक करने होते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कितनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रेंथ इसकी कितनी है तो ये सारी चीज़ें जिसकी चेक करनी हो वो क्या कहलाते हैं सोर्स चार्ज कहलाते हैं और याद रखना है कि जो सोर्स चार्ज की जो मैगनीच्यूड है वो ज़्यादा रखी जाती है इसकी मैग्नीूड ज़्यादा होती है ता जिसको हमने चेक करना होता है इसके बरक्स दूसरी किस्म का चार्ज है टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज तकरीबन ऑलमोस्ट हम इसको पॉजिटिव लेते हैं याद रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं और रिमेंबर इस टेस्ट चार्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो छोटी रखी जाती है इस टेस्ट चार्ट की मैग्नीट्यूड छोटे रखते हैं वजह उसकी वजह यह है कि स्टेट टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड छोटी होगी तो इसको जब हम इसके करीब लेकर आएंगे तो इसके फील्ड या फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट ना डाल सकें ताकि हमें प्योरली इसकी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को का पता लग सके हम इसको मालूम कर सकें एनी हाउ इसमें क्या होता है टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी वजह से सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम किया जाता है यानी कि सोर्स चार्ज ऐसा जिसकी ये तीन चीज़ें मालूम की जा रही हैं जबकि टेस्ट चार्ज ऐसा जिसकी वजह से उसको मालूम किया जाता है और इनमें बेसिक फ़र्क क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड छोटी होती है इसका मतलब इसकी जो फील्ड होगी वो भी छोट इसकी मैग्नीट्यूड सोर्स की बड़ी होती है जबकि इसकी फील्ड भी बड़ी होगी इसके बरक्स अगर टेस्ट चार्ज की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड भी कम और इसकी फील्ड भी बहुत छोटी होगी और इसकी फील्ड सोर्स चार्ज की फील्ड को या इसकी इफेक्ट को कोई भी उस पर असर नहीं डाल सकेगी उसके बाद बात कर रहे हैं जी कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं पॉइंट चार्जेस ऐसे होते हैं दो चार्जेस इज वेरी स्मॉल देखें, ये हमारे पास है ये दो है हमारे पास जबकि इनका जो डिस्टेंस है वो ये वाला है जो कि हमने इसके सेंटर से लिया हुआ है डिस्टेंस इनका बड़ा है तो दो चार्जेस हु साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दम कार्ड आर कार्ड पॉइंट चार्जेस तो ये तीन किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं जो कि हमने आगे चल के यूज करने हैं चैप्टर के अंदर ठीक हो गया तो अब यहां पर हमने देख अच्छा, लिए। अब हम देखते हैं क्या होती है जी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को न्यूट्रल कैसे करते हैं जी देखिए न्यूट्रलाइजेशन लफ्ज निकले न्यूट्रल से यानी चार्ज को न्यूट्रल बनाना ठीक है इससे पहले आप ये समझें कि कुदरत का एक नेचर का कायदा है कि हर एक चीज़ जो फ्लो करती है वो उसका फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है याद रख लें कि कुदरत का ये कायदा है कि हर चीज़ हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है और ख़ुद को वो स्टेबल बनाना चाहती है यानी कि वो लो तक जाके खुद को स्टेबल बना लेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ पानी के गिरने की हाई पोटेंशियल से लो पे आएगा खुद को स्टेबल बना दिए और भी जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हाई से लो की तरफ जाएंगी लो से हाई की तरफ कुछ नहीं कोई भी चीज़ नहीं जाएगी सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ दो जगह हैं एक ही जगह है यहाँ पर और इस जगह पर यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं कम तादाद में पड़े हैं सपोज़ यहाँ पर हमारे पास चार्जेस की तदाद है कम यानी कि पोटेंशियल यहाँ पर कम है इस जगह पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव फ़र्ज कर लेते हैं कि छः पॉजिटिव और छः नेगेटिव पड़े हैं। इसके बरक्स दूसरी एक जगह यहाँ पर छः नहीं पड़े, बल्कि यहाँ पर तादाद में पड़े हैं दो चार पॉजिटिव पड़े हैं। और चार यहाँ पर नेगेटिव पड़े हैं तो हम क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कम है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हाई है इट्स मीन ये यूँ क्या कहा जा सकता है कि इस जगह पर हाई कंसनट्रेशन है चार्ज़ की और यहाँ पर लो कंसनट्रेशन है पोटेंशियल की बजाय कंसनट्रेशन लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अब यहाँ पर हाई कंसन्ट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसनट्रेशन अब कन्सनट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो याद रखें चार्ज भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से जो ही हम इनको करीब लेकर आएंगे तो ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरह मूव करेंगे और ये खुद को क्या कर लेंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे यानी कि ये ख़ुद को न्यूट्रल बना देंगे दिस इज़ कार्ड न्यूट्रालाइज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है ये कंसेप्ट आपने माइंड में रख लें उसके बाद लास्ट वन है इस हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा कि अब हम जरा कंपेरिज़न देख लेते हैं मैथ और चार्ज के दरमियान एक कंपेरिज़न लिख लेते हैं यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लें चार्ज लिख लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ्स चार्ज और मैथ्स में कंपैरिजन क्या होगा देखें सबसे पहले पहले बात करें इनके इनके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनके यूनिट्स देख लेते हैं सबसे पहले तो अगर अगर हम बात करें चार्ज के यूनिट की तो चार्ज की की के यूनिट क्या कोलम जबकि मैथ्स के यूनिट क्या है हमारे पास किलोग्राम ठीक हो गया उसके बाद ये हमारे पास जो चार्ज है ये कौन सी क्वान्टिट्टी है चार्ज एक डिराइव्ड क्वान्टिट्टी है इसके बरक्स अगर मैथ की बात करें वो कौन सी क्वांटिटी है ये एक बेस क्वांटिटी है दूसरा फर्क भी हमने देख लिया तीसरे फर्क की अगर हम बात करें तो इनकी कंजर्वेशन की बात करें जी कंजर्वेशन की अभी हमने पढ़ा इसके अंदर कि चार्ज की वैल्यू हमेशा कंजर्व होती है यानी कि क्यू नेट हमेशा सेम रहता है यानी कि चार नेट चार्ज हमेशा सेम रहा करता है जबकि हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि नेट मैस हमेशा सेम रहा यानी कि एम नेट एम नेट में कंजर्वेशन ऑफ मैस नहीं पाई जाती यानी इनिशियल और फाइनल मैस बराबर नहीं होता कंजर्वेशन ऑफ मैस इज नॉट पॉसिबल बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल इसके बरक्स अगर हम बात करें इसमें इन वेरियंस की इन वाली प्रॉपर्टी की तो अभी हमने क्या कहा इन वाली प्रॉपर्टी में हमने ये कहा कि चार्ज हमेशा यानी कि बाद में चार्ज या पहले चार्ज कभी भी ये स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा चार्ज हमेशा सेम रहता है इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ विलास्टिक यानी ये विलास्टिक के ऊपर यानी रफ्तार के ऊपर डिपेंड नहीं करता चार्ज को जितना मर्जी आप तेज़ी से मूव करवाएं अगर अगरचि स्पीड ऑफ़ लाइट से मूव करवाएं तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा ठीक हो गया इसके बरक्स अगर मैथ की बात करें तो मैस स्पीड ऑफ़ लाइट से मूव करवाने से इनक्रीज़ हो सकता है ठीक हो गया उसके बाद एक और फर्क दे देख लेते हैं इसमें इनकी क्वांटाइजेशन की बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन तो अभी हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एस एनी हमें प्रा... मिलकान ने बताया मिलकॉन अल्ट्रा मेथड के जरिए हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल एंड एवरी बॉडी हैज अ चार्ज विच इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी विच इज वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन एच पावर माइनस नाइनटीन का ये मल्टीपल है जबकि क्वांटाइजेशन ऑफ मैस इज़ येट इम्पॉसिबल मैथ्स की क्वांटाइजेशन आज तक नहीं हुई नहीं आज तक डिस्कवर हुई अलबत्त इसके ऊपर रिसर्च जा रही है मे बी कभी आगे आके पता लग जाए फिलहाल तक क्वांटाइजेशन ऑफ मैथ्स का हमें नहीं पता सो इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट चार्ज तो हमने टोटल देखा इस पूरे लेक्चर में अगरचे लेक्चर बड़ा था लेकिन मैंने एक एक पॉइंट को एक एक टॉपिक को डिटेल में समअप किया और मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को कवर कर दो ठीक हो गया